कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसे तो इंडिया नाम से अब चिढ़ होने लगी भारतीय जनता पार्टी को, जिस केस में मैक्सिमम सजा का प्रावधान 2 साल हो उसमें 2 साल का ही सजा क्यों दिया गया। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम राहत मिली तो पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। हम लोग पटना के सदाकत आश्रम में हैं, यहाँ भी खुशियाँ मनाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशिक। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दिया है, उनके सजा पर रोक लगा दी है तो पूरे देश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खुश हैं। आज मिठाइयां बांटी जा रही हैं। पटना में सदाकत आश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया गया और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नेता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया है और इसी मामले को लेकर के आज हम लोग खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और पूरे देश में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिलने के मौके पर। मंडल पर बात हो चुकी है कल भी, हालांकि थोड़ा सा वहाँ ये हुआ कि अब तिथि निर्धारित कर दीजिए, तो तेजस्वी जी ने कहा कि मैं आता हूँ, आज वो आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी से बात करके करेंगे। लगातार आप लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है, देरी क्यों हो रही है? इस देरी से आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपको मैं अभी कहा कि कल ही बात हुई है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री से बात करके तिथि तय करके लोगों का वोट करा दिया जाएगा। वोट आयोग में भी हम लोगों को जगह मिलेगी, अभी सब खत्म नहीं हो गया है, 7-8 आयोग बना है, हम लोगों को भी मिलेगा। सब बात हो चुकी है, कांग्रेस को नज़रअंदाज करके कैसे कोई मामला चलेगा, इसलिए कांग्रेस को उचित भागीदारी, उचित हिस्सेदारी मिलेगी सरकार में भी, इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। मिठाई खिलाया जाए और जो इन्होंने कहा मैं उसको दोहराता हूँ, और हम लोग शुरू से ये बात कह रहे थे कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है, और कल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की अगुवाई में जो देश में सरकार है उन लोगों की कुत्सित प्रयास काम नहीं आया। वहाँ तो जरूर गुजरात में वो किसी तरह से अपना मैनेजमेंट के आधार पर निर्णय करा दिया, लेकिन कल जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ने जो कुछ कहा उसके बाद हम लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि बार बार जब कभी हम आप लोगों को बुलाते थे, आपसे शेयर करते थे, तो यही कहते थे कि जिस केस में मैक्सिमम सजा का प्रावधान 2 साल हो उसमें 2 साल का ही सजा क्यों दिया गया। तो इस बात को लेके न केवल आम कांग्रेस जनों में देश भर के बल्कि देश भर के आम नागरिकों में भी परेशानी थी और ये सवाल खड़ा था कि क्या हम लोगों का देश का न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और राहुल जी ने भ्रष्टाचार के मामले में सवाल उठाया था सरकार पर, उनकी जो नज़दीकी रिश्ते थे अदानी के साथ उस पर सवाल खड़ा किया था, उस पर सवाल पूछा था, उसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है, घर से बेदखल किया जाता है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को हम सभी न केवल बिहार कांग्रेस के लोग बल्कि देश भर के कांग्रेस आम कांग्रेस जन में खुशी का लहर दौड़ गया और गांव-गांव में से जो हम लोगों को मैसेज आ रहा है कि सब लोग मिठाइयाँ बांटी गई सब जगह, तो आज हम लोगों ने फैसला किया था कि पटना आते ही सभी पत्रकार बंधुओं को हम लोग मिठाई खिलाएंगे। ऐसे तो इंडिया नाम से अब चिढ़ होने लगी भारतीय जनता पार्टी को, जगह जगह न्यायालय में सभी 24 दलों को उन लोगों ने ये किया है, नोटिस किया गया है, बट इससे कुछ होने वाला नहीं है, इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी कहा कि इंडिया नाम का असर है, महागठबंधन का नाम जब इंडिया पड़ गया है तो इंडिया ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली है और आगे भी बहुत कुछ होना है, 2024 में तो बहुत बड़ा असर देखने को आपको मिलेगा।
तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।